है आप सभी का, देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, मैं हूं आस्था कौशिक। कल उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे से पहले दून में बैठकों का दौर जारी है। देहरादून में भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय देहरादून में है। उनके अलावा पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी राजधानी में ही डेरा डाले हुए हैं। गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पार्टी के नेताओं के साथ कई बैठकें की। आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस रैली को चुनावी शंखनाद के रूप में बदलने की कोशिश है। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो अमित शाह आज चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। शाह के दौरे से पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कई बैठकें की हैं। देहरादून से अगली अपडेट, कल उत्तराखंड आएंगे गृहमंत्री अमित शाह और इस दौरे की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। आज सीएम धामी के संगठन के नेताओं के साथ बैठक है। भाजपा के कई दिग्गज नेता दून में मौजूद हैं। मदन कौशिक ने नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। तो कल उत्तराखंड आ रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह और उसके दौरे की जो तैयारियां हैं वो बहुत तेज चल रही हैं। आज सीएम धामी के संगठन के नेताओं के साथ बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी कई बैठकें की हैं। भाजपा के कई दिग्गज नेता देहरादून में मौजूद हैं। विजय बहुगुणा, कैलाश विजयवर्गीय, मदन कौशिक ने नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। देवभूमि में अमित शाह का दौरा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं। तो अमित शाह के दौरे से जुड़ी जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा आपको विनोद के ही पास लिए चलते हैं। विनोद, बताइएगा क्या जानकारी है आपके पास? अच्छा, देखिए इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं यहीं पे अमित शाह की जो रैली है वो यहां पर की जाएगी और यहीं पे वो संबोधित करेंगे और इसमें अंतिम रूप इसको दिया जा रहा है। टेंट की तैयारी की जा रही है। मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं ये तमाम दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से जो अमित शाह का दौरा है उनके दौरे को लेकर जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार इवेंट को पूरी तरह से सफल बनाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आकर लगातार मुआयना कर रहे हैं, उसके साथ साथ संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो अलग अलग जगहों बैठकर बैठकें कर रहे हैं ताकि अमित शाह के इस दौरे को पूरी तरह से सफल बनाया जाए। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ इस जो पंडाल है इस पंडाल में 20 से 25 हज़ार लोगों को लाया जाएगा जो जहाँ पर अमित शाह के दौरे से लोग संबोधित होंगे और लोगों को चुनावी शंखनाद किया जाएगा। तो आज तक ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार भाजपा चुनावी रूप में आगे बढ़ती चली जा रही है उसमें ये पहली रैली अमित शाह की यहाँ देहरादून में होने जा रही है। देहरादून में ये पहला चुनावी शंखनाद भाजपा का अमित शाह के तौर पर किया जा रहा है। अमित शाह क्योंकि गृहमंत्री भी हैं और उनका उत्तराखंड आना कई रूप में कई तरह से मायने भी रखता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो थे तो उस वक्त भी कई तरह के दौरे उनके उत्तराखंड में लगे थे, लेकिन देहरादून में जब उनका दौरा होता है तो चुनावी रूप में इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और विजय बहुगुणा समेत तमाम जो दिल्ली के नेता हैं वो देहरादून में डटे हुए हैं, पार्टी संगठन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ही मुलाकात कर रहे हैं और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अमित शाह के दौरे को लेकर फीडबैक लेंगे किस तरह से संगठन स्तर पर अमित शाह के दौरे की तैयारियों को रूप दिया जा रहा है। और ये इसी पंडाल में यहीं पर कल अमित शाह पूरी तरह से चुनावी शंखनाद करेंगे और ये कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से इस तरह का आकलन किया जा रहा है कि इस पंडाल में तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा ताकि अमित शाह के दौरे से जो भी यहाँ पर चुनावी शंखनाद है उसको वो सुन सके। इसके साथ साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह कल मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना का शुभारंभ भी इसी स्थान से करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमित शाह चुनावी शंखनाद के रूप में यहाँ पर रहेंगे तो कई तरह से चुनावी रूप को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ही ये भी साफ तौर पर बता दूं मैं कि आज संगठन स्तर पर भी अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारी की जाएगी, किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी जानी है, कहाँ से कितने लोगों को लाया जाना है। खासकर ये माना जा रहा है कि इस रैली में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना का शुभारंभ होगा और महिलाओं के रूप में सबसे बड़ी योजना उत्तराखंड सरकार उसे मानकर चल रही है, तो महिलाओं की संख्या यहाँ ज़्यादा रहने वाली है। इसके साथ साथ ही चुनाव से जुड़े यहाँ उत्तराखंड की या देहरादून की जो 4-5 सीटें हैं उस सीट से भी भारी संख्या में लोगों के यहाँ आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, तो तैयारियां जो हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं उत्तराखंड, आज वो यूपी में हैं और कल देहरादून आएंगे। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए पंकज। प्रदेश में नवगठित प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन अब गंगा जल को मिट्टी के कलश में पैक करके देश में 12 ज्योतिर्लिंगों और दूसरे देवस्थानों पर बिक्री के लिए भेजेगा और इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। देहरादून में सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।
प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता राम मेहरोत्रा ने बताया कि अमित शाह सहकारिता विभाग की दो योजनाओं जिसमें की घसियारी योजना और पीसीयू में गंगाजल बिक्री योजना का शुभारंभ करेंगे। पीसीयू की ओर से गंगाजल की पैकिंग देवप्रयाग में की जा रही है और इसकी कीमत 150 रुपए रखी गई है। अमित शाह जी जो है वो 30 तारीख को देहरादून आ रहे हैं और वहाँ पर दो बड़े प्रोग्रामों का इनॉग्रेशन उन्होंने करना है। एक तो हमारी जो राजस्व को अपना सहकारिता विभाग है वो घसियारी योजना ला रहा है और दूसरा जो है हमारा गंगा जली का पीसीयू प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन ने गंगा जली का प्रोग्राम ला रहा है तो उसमें उसका उन्होंने उद्घाटन करना है। उत्तराखंड भाजपा कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है। भाजपा ने कार्यकारिणी में अब 44 नए सदस्य जोड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की सहमति से विस्तार हुआ है और चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकारिणी को यह विस्तार दिया गया है। तो उत्तराखंड भाजपा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, 44 नए सदस्यों को इसमें जोड़ा गया है। भाजपा ने अपने कार्यकारिणी में 44 नए सदस्य जोड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की सहमति से यह विस्तार किया गया और आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी कार्यकारिणी को यह विस्तार दिया गया है। कुल मिलाकर 44 नए सदस्य हैं जो कि अब कार्यकारिणी से जोड़े गए हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और उसी के चलते सरकार और संगठन जुटे हुए हैं इसकी तैयारियों में। तो उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से हरीश रावत का एक नया अंदाज देखने को मिला है। हरीश रावत आज कांग्रेस भवन पर दही जलेबी खिलाकर लोगों को कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनाएंगे। कांग्रेस भवन पर हरीश रावत ने सुबह 10:30 बजे दही जलेबी की दावत रखी है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके लोगों को आमंत्रित किया है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा, मैंने तय कर लिया है कि 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे कांग्रेस भवन देहरादून में दही और जलेबी खिलाकर लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाऊंगा। मैं आप सबको कांग्रेस भवन में आमंत्रित कर रहा हूं। तो इस दही जलेबी कार्यक्रम के लिए किस तरह की हलचल है दिखाने के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं कांग्रेस ऑफिस और यहां पे 10:30 बजे दही जलेबी कार्यक्रम होने जा रहा है जिसके माध्यम से हरीश रावत जो है वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे और इस पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि कैंतुरा। रवि, बताइएगा किस तरह की तैयारियां हैं और कितने लोग आज सदस्यता लेंगे यहां पर? बिल्कुल आस्था, क्योंकि अगर बात करें तो हरीश रावत की काफल पार्टी हो, भुट्टा पार्टी हो या आम पार्टी हो, ये भी अक्सर जो है सुर्खियों में रही है। और आप ठीक, चुनाव से पहले हरीश रावत जलेबी और दही पार्टी आज अपने ही मुख्यालय कांग्रेस मुख्यालय में देंगे। 10:30 बजे का ये कार्यक्रम है। हरीश रावत यहाँ पर पहुँचेंगे, स्टॉल लगाए जाएंगे और उसके बाद तमाम लोग आज जो है कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके लिए तमाम तैयारियाँ भी हैं क्योंकि जो भी कांग्रेस के अन्य नेता हैं उनकी विधानसभा क्षेत्रों में किस तरीके की उनकी लोगों के साथ बातचीत हुई और कितने लोगों को, खासतौर पर युवा वोटर पर इस वक्त जो है कांग्रेस की भी निगाह है और ऐसे में कितने युवा आज यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हरीश रावत अब पूरी तरीके से, अब जिस तरीके से चुनावी मोड में उत्तराखंड है ही, तो ऐसे में क्योंकि हरीश रावत को जब पंजाब से उन्होंने जब प्रभार से उनको वहां से पदभार किया गया है तो जब यहाँ पर वो पहुँचे हैं तो पूरी तरीके से उत्तराखंड के ही चुनाव पर उनका फोकस है। और ऐसे में जहाँ एक और अमित शाह का कल यहाँ पर दौरा है, चुनावी शंखनाद कल बीजेपी उत्तराखंड देवभूमि से कर देगी, ऐसे में हरीश रावत ने आज ही एक दही और जलेबी पार्टी जो है रखी है जिसमें तमाम लोगों के आने की उन्होंने यहाँ पर उम्मीद जताई है कि जो लोग हैं, जो खासतौर पर युवा वोटर्स हैं, वो भी अब कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर एक नंबर भी जारी किया था जिसमें कि कांग्रेस ज्वाइनिंग के अभी तक उनका दावा है कि 1.5 लाख लोग इस नंबर के माध्यम से कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं और अब हरीश रावत खुद मोर्चे पर हैं, चुनाव संचालन समिति के वो यहाँ पर अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से आज यहाँ पर इस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है। मैं कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूँ लेकिन अगर सुबह की बात करें तो अभी यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है और कांग्रेस मुख्यालय में अभी कोई भी यहाँ पर नहीं है, जबकि अभी अगर हम बात करें तो करीब करीब आधे 40 मिनट और हैं जब हरीश रावत यहाँ पहुंचेंगे। तो कोई तैयारियां फिलहाल तो यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो हरदा की जो दही जलेबी पॉलिटिक्स है, देखना होगा कि
क्या असर दिखाती है और कितने बड़े पैमाने पर यह सदस्यता अभियान जो है ये कामयाब हो पाता है। आप नजर बनाए रखिए, रवि जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब एक बड़ी खबर देहरादून से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। बाबा केदार के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद शंकराचार्य समाधि का वो उद्घाटन करेंगे। केदारनाथ में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री। 130 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए सरस्वती पुष्टा दीवार, आस्था पथ और घाट मंदाकिनी पुष्टा दीवार, तीर्थ पुरोहित आवास और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 180 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित विभिन्न कार्यों की भी आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं? ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं देहरादून के हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके मन में और दिल में चल क्या रहा है। उत्तराखंड में भले ही ठंड ने दस्तक दे दी हो, सुबह और शाम के वक्त में उत्तराखंड में अब अच्छी ठंड हो रही है, लेकिन जो माहौल है वो गर्म है। वो इस वजह से क्योंकि कुछ ही महीनों बाद अब उत्तराखंड में चुनाव है। मैं इस वक्त सुबह सुबह के वक्त पर गांधी पार्क में हूँ, जहाँ पर तमाम लोग एक्सरसाइज करते हुए आपको दिखाई देंगे और अपने फिटनेस के लिए तमाम जो देहरादून के लोग हैं वो इस पार्क में पहुँचते हैं और खूब जमावड़ा इस पार्क में लगा रहता है और लोग अपनी फिटनेस यहाँ पर लगे रहते हैं। लेकिन हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का माहौल है और क्या चल रहा है। भाई साहब क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है अभी तो, लेकिन हमारा स्वास्थ्य के प्रति हम सब लोग जागरूक रहते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए, आप फवारा देखिए और ग्रीनरी देखिए, काफ़ी अच्छा ये सरकार ने कर रखा है। हमको अपनी फिटनेस के लिए आए हैं, प्रदेश की फिटनेस भी करनी है, 2 महीने रह गए। प्रदेश की फिटनेस अभी आपने देखा होगा, जब से युवा मुख्यमंत्री बने हैं बड़ी अच्छी फिटनेस हो रही है, तो अच्छा काम कर रहे हैं और इनके पास समय कम है और युवा है, तो इसलिए सभी युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद इनके ऊपर है। वैसे आप बताइए क्या चल रहा है, आप हर रोज आते हैं वॉक करने? हाँ जी, मैं हर रोज आता हूँ सर। सर काम तो ठीक है, बुद्ध जी ठीक कर रहे हैं, मगर जो महंगाई के कंट्रोल है, महंगाई की कंट्रोल नहीं कर पाए। वो जो टीन 700 का हम 1200-1300 रुपये का लेके आते थे, कोलू से लेके आते थे, आज वो टीन 4000 रुपये का हो गया। अगर इतनी महंगाई, अगर ये कैसे करें, आम आदमी, गरीब आदमी कैसे आज गुजारा करेगा? अब कांग्रेस को मौका देना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ। सर आप भी रोज आते हैं यहाँ पर? हाँ, मेरे को 47 साल हो गए आते हुए गांधी पार्क। क्योंकि अपनी फिटनेस के लिए आ रहे हैं, अब प्रदेश की फिटनेस भी करनी है, 2 महीने बाद चुनाव। नहीं, चुनाव, ये तो चुनाव तो आते रहेंगे, हर 5 साल में आते रहते हैं। मोदी जी ठीक है, अच्छे प्रधानमंत्री तो हैं, पर स्टेट लेवल पे जो है मेरे हिसाब से शायद थोड़ा सा कंट्रोल। 25 साल यानी कि उत्तराखंड की जब शुरुआत हुई 9 नवंबर 2000 से, तब से आप यहाँ की राजनीति देख रहे हैं, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, इस बार क्या करेंगे? सर मैं तो चाहता हूँ कि भाजपा दोबारा इस बार रिपीट करे, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो उससे कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। उत्तराखंड में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 4 धाम के ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, कर्णप्रयाग रेलवे का चल रहा है, तो इन प्रोजेक्ट पर बड़ी दिक्कत हो सकती है जो यहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई। तो मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी दोबारा आए और धामी जी युवा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो उन्हें आगे मौका मिलना चाहिए। धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तीसरे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, 57 सीटें थी बीजेपी के पास, इतना प्रचंड बहुमत पहली बार मिला है उत्तराखंड के इतिहास में, इसको लेकर कुछ? नहीं, इन्होंने अभी तक तो काफ़ी अच्छा काम किया है, इनके पास थोड़ा समय कम है, हम चाहते हैं कि इनको और समय दे, एक मौका और दे जनता। जैसे इन्होंने अभी बताया, हम इनकी बात से सहमत हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी, तो जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है और तमाम डिफरेंट टाइप के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये सारे कंप्लीट होंगे। और एक सिंपल सा सवाल है, अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, 57 सीटें रही हैं बीजेपी की, काम हुआ है प्रदेश में? जो प्रचंड बहुमत पहली बार मिला था, तो क्या प्रचंड काम हुआ? सर काम तो हुआ है, मगर हम मीडियम क्लास के लोग तो यही चाहेंगे कि महंगाई पे कंट्रोल हो ना। अब महंगाई जो है, मेरा ख्याल है कांग्रेस के समय से दुगनी हो गई, आमदनी उतनी है, जब आमदनी उतनी रहेगी महंगाई दुगनी हो जाएगी, तो पब्लिक क्या करेगी? फिर तो चोरी चमारी करेगी, गलत कामें करेगी, इसलिए इनको महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाए।
ये सरकार मेरे हिसाब से फेल है। सर आप लोग तो ये चर्चाएं चलती रहती हैं, अभी जो और लोग हैं उन लोगों से भी कोई एक ऐसी अपील है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सरकार जब चुनी जाती है तो एक बहुत अहम होती है, और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक आदमी का एक वोट उसमें बड़ा कीमती होता है। नहीं, हर आदमी का वोट कीमती है और हर एक को वोट देना भी चाहिए। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ज़्यादा दिक्कत है। पेट्रोल डीजल भी गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है, लेकिन कोरोना का जो इतना खर्चा है, जो इतनी फ्री डोज लग रही है, 100 करोड़ डोज लग चुकी हैं, तो इस वजह से सरकार की भी मजबूरियां हैं। कोरोना की वजह से टैक्स में जीएसटी में कम आया कलेक्शन, और विकास सबसे बड़ी बात है कि विकास कोई नहीं रुका है, सड़कें पूरी बन रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। तो अजो ये थोड़ा महंगाई पर टैक्स कम करेंगे तो उन पर फ़र्क पड़ सकता है। तो बाकी गरीब आदमी की दिक्कत तो है ही है थोड़ी, लेकिन ये भी मजबूरी है कि विकास भी चाहिए। बीजेपी की तमाम योजनाएं हैं जिनसे लोग खुश भी हैं, नाखुश भी हैं, महंगाई का मुद्दा हमेशा ही आता है। देहरादून का गांधी पार्क एक ऐसा पार्क है जहां पर तमाम लोग आते हैं अपनी फिटनेस के लिए, लेकिन इस फिटनेस के साथ साथ चर्चाएं सुबह सुबह ये भी हैं कि अब उत्तराखंड में चुनाव हैं, क्या करेंगे, क्योंकि एक एक वोट कीमती है। और यही आज हमने बात की कि सभी लोगों से कि क्या चल रहा है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून।